बीर बिलिंग, ये नाम आप सबने सुना होगा, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस पैराग्लाइडिंग। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बीर बिलिंग सिर्फ एक जगह नहीं है, इट इज एन एक्सपीरियंस, एन इमोशन दैट विल टच यू लाइक नेवर बिफोर, अ प्लेस दैट कैन मेक यू स्माइल एंड क्राई एट द सेम टाइम। एक ऐसी जगह जिसका कोना कोना और वहाँ बिताया हुआ हर एक मिनट आपके दिल पे एक ऐसी छाप छोड़ जाएगा कि यहाँ से लौट तो आओगे लेकिन अपना दिल वहीं पे छोड़ के आओगे। यकीन नहीं होता ना, तो फिर चलो घूम के आते हैं, बिकॉज बीर बिलिंग इज कॉलिंग एंड यू मस्ट गो। सो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि इट टुक मी 18 आवर्स टू रीच बीर, एंड व्हाई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बीर आते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ये जगह बेहद शांत और अलग है। अलग क्यों है वो आपको वीडियो में आगे खुद पता चल जाएगा। आई चेकड इन, ऑर्डर्ड अ कंप्लीट मील, एंड ट्रस्ट मी, मैंने हवा में एरोप्लेन्स को देखते हुए खाना बहुत बार खाया है, बट ये पहली बार था मैं हवा में घूम रहे ग्लाइडर्स को देखते हुए खाना खा रहा था, एंड आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ सरियल इट वॉज। मन तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने अंदर के वॉन्डरिंग कार्तिक को बाहर जाने से रोका एंड टुक अ क्विक साउंड स्लीप। सोना तो मैं नहीं जाता था ऑनेस्टली, बट इट वॉज मच नीडेड टू चार्ज मी बैक अप। हाउ ऑफन यू गेट टू वेक अप एंड रिमूव योर कर्टेंस टू सी 20-25 ग्लाइडर्स फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। और सिर्फ यही नहीं है यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक साइड का व्यू है, अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि दूसरी साइड से क्या दिखाई देता है और चारों तरफ क्या दिखाई देता है। पर्टिकुलर प्लेसेस, दो ये रोड से और मार्केट से थोड़ा 2 किलोमीटर साइड हटके है, बट यहाँ से एक साइड आपको दिखाई देता है इतना खूबसूरत सनसेट। दिस इज मेसमराइजिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सनसेट्स इन माउंटेन्स, बट या दिस इज समथिंग दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ब्यूटिफुल, मैजिकल, सच अ ब्रॉड लैंडस्केप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, यू नो, सच अ ब्रॉड लैंडस्केप। Sun is setting slowly. This side you have snow-capped mountains. And अगर आप पीछे देखोगे ना अपने, so पीछे है टेक ऑफ एंड लैंडिंग साइट। यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्लाइडर्स फ्लाइंग अप फ्रॉम देयर एंड अ लॉट ऑफ ग्लाइडर्स गोइंग डाउन ओवर देयर। हाउ ऑफन यू गेट टू स्टे एट अ प्लेस दैट विल ऑफर यू अ व्यू ऑफ द सनसेट, snow-capped mountains, and the highlight of Bir Billing, paragliding. You just have to open your window, you just have to go into your balcony and you can see, you know, maybe 15, 20, 30 gliders flying in front of you. Usually, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दी अपने होटल होमस्टे से बाहर जाएं ताकि हम उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस कर पाएं। लेकिन Bir Billing इतनी खूबसूरत जगह है कि आप जहाँ पे भी हो बस वहीं पे रुक जाओ, एक लंबी सांस लो और अपने चारों तरफ देखो। वहीं उसी जगह पे खड़े हुए आप वो महसूस कर पाओगे जो शायद किसी और जगह पे आप पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद भी महसूस ना कर पाओ। ये जगह उनके लिए तो है ही जो अपने बोरिंग क्यूबिकल में बैठ के या अपने घर में बैठ के नहीं, पहाड़ों में बैठ के अपने कीबोर्ड पे हाथ चलाना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो बस अपना दिल तुटवाए बैठे हैं और ढूंढ रहे हैं तो गूगल मैप पे एक ऐसी जगह का पता जो उनका खोया हुआ सुकून उन्हें वापस लौटा पाए। ये शाम ढलते ही मैंने अपने होमस्टे वाले भैया से बोला, साहिल भैया प्लीज आप मुझे शॉर्टकट से लैंडिंग साइट तक छोड़ाओगे, बिकॉज आई नो माई YouTube फैमिली कांट वेट टू सी हाउ हैपनिंग बिर्स नाइट लाइफ इज़।
लैंडिंग साइट पहुंचते ही मैंने देखा दैट द फ्लो चक्रा फैमिली इज परफॉर्मिंग, सो आप थोड़ा फायर शो देखो, इतने में आपके लिए रम लेके आता हूं। सॉरी यार, रम तो नहीं बची, लेकिन मैं आपको चार ऐसी जगह बताऊंगा जो आपका बीयर बेलिंग ट्रिप 10 times मोर हैपनिंग कर देंगे। सबसे पहली जगह है ये दुकान ड्रेंटन, जो एकदम मार्केट के स्टार्टिंग में है। एंड माय गॉड, इस दुकान में पैर रखते ही आपका मन करेगा कि आप सब कुछ ले लो। यहाँ रखी हुई एक एक चीज इतनी नायाब और खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया एंड आई एंड अप बाइंग व्हाट नॉट। अब इस दुकान से बाहर निकल के आपको पूरी रोड पे लाइव म्यूजिक सुनाई देगा अलग अलग कैफेज में, बट आई विल टेल यू आपको कि इन दो जगहों पे जाना है लाइव म्यूजिक सुनने के लिए एंड ऑब्वियसली टू हैव डिनर। सो अगर आपका इटालियन खाने का मन है या फिर शीशा पीने का मन है, देन यू शुड गो टू हिमालयन पिज्ज़ा, जो एकदम बीयर मार्केट की स्टार्टिंग में है। एंड अगर आपका नॉर्मल कैफे फूड खाने का मन है, देन यू शुड गो टू माफिया, विच इज़ अराउंड 10 minutes वॉक फ्रॉम हिमालयन पिज्ज़ा। उसके बाद जब जी भर के खाना खा लो और गाने सुन लो, तो आ जाना बाउस कैफे में ब्राउनी खाने। It's been around 2 hours exploring the bear market or the mall road of bear. और जो सबसे अच्छी बात मुझे अब तक यहाँ की लगी है ना, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। It is like almost empty and it is a very good time to visit here. Like ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, it's a good time to fly. Still you know you'll hardly see like what 50 people complete on the road. That is beautiful because you don't have so much bustle on the road. This gives you a next level experience. Plus, you'll see a lot of good cafes around. Like every 50 meters, you'll find a very good cafe with nice aesthetics to sit, enjoy the view, sip in some tea or coffee and have fun. You know, I have to say this is going to be my favorite place in Himachal as of now. आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ, because of all what it is offering me. Every single minute जो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, इट्स बीन 2 hours एंड आई एम स्टिल नॉट डन विद इट। मुझे नहीं पता आगे क्या क्या और बढ़िया मेरे साथ यहाँ पे होने वाला है, क्या क्या अच्छा मुझे दिखने वाला है यहाँ पे, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड स्पेशली द शॉप दैट यू सॉ रन बाय दैट मैन तवांग, ही सेड नो टू बी ऑन द वीडियो, बट या मस्ट विजिट। ऑल द थिंग्स ही गॉट यू नो आर हैंड क्राफ्टेड, ही पेंट्स हिमसेल्फ एंड आर ब्यूटीफुल। आई गॉट फ्यू फॉर माई फैमिली, आई एम लविंग इट। अब मुझे वह एक्सप्लोर करते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे एंड आई एम सीरियसली वेरी हंग्री। सो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया ट्राई हिमालयन पिज्ज़ा, सो आई एम गोइंग ओवर देयर। 500 तक का होगा तो खा लूँगा, 1000 का होगा आई हैव टू स्टैंड अप फ्रॉम देयर एंड गो, बट लेट्स सी। ऑलमोस्ट लाइक 4-5 लोगों के DM आए मेरे पास में दैट प्लीज़ ट्राई हिमालयन पिज्ज़ा, प्लीज़ ट्राई हिमालयन पिज्ज़ा। सो आई एम गोइंग टू हिमालयन पिज्ज़ा फॉर यू गाइज, दैट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। लेट मी क्वेंच माई थ्रस्ट एंड माई हंगर, then I'll get back to you. Day I ever had in mountains in my last 6-7 years of journey, and after making like 50 plus videos, surely I can say this was the best day I ever spent in mountains. It was next level. I got to meet Nitesh from Flow Chakra, who runs all these flow workshops, so the fire show was amazing. Then I went to Himalayan Pizza,
place you just saw. The girl singing over there, she was next level. I don't remember the last time I enjoyed live music or I went to live music. And I sat there for so long because I'm a hardcore techno head and the only live set, live music I enjoy is live sets only. But she was amazing. I'll go to the owner, I'll ask her Instagram and I'll mention her Instagram somewhere over here. Do follow her. Whenever you come here, just go to her, congratulate her and appreciate her. She was magical, next level. So I'm just concluding my day with some brownie. It's a normal one, so don't think otherwise, at Bau's Cafe. I didn't think about it. After my other day's trip, I woke up like at 5. It was a great day, but can't ask for anything better. It was magical. Where? You have my heart. And अभी तो मेरे पास दो तीन दिन ही है. आई वॉन्ट कम हेयर फॉर 10 days एंड आई वॉन्ट सोक इट ऑल. चीयर्स, गुड नाइट. कुछ और स्पेशल होगा तो अलॉन द कैमरा अगेन, अदरवाइज चीयर्स. नाउ व्हेन आई थॉट दिस हैपनिंग एंड ब्यूटिफुल नाइट इन बीर इज अबाउट टू कम टू एन एंड, तभी आई केम टू नो पास के एक बहुत ही हैपनिंग हॉस्टल में एक पहाड़ी लड़का नाम का आर्टिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत लाइव एक्ट परफॉर्म करने वाला है. तो फिर चलो एक और लाइव एक्ट के मज़े लेके आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना तो मेरा इतनी जल्दी सोने का मन है और ना ही आपका. उन चीजों को फिर क्या बोले जो खुशियों में आड़ा करती हैं और प्रत्यक्ष कभी ना आए पर मन में ही मारा करती हैं. ये कुछ ऐसी चीजें हैं अक्सर जो बहुत डराया करती हैं, ना काया है ना साया है पर मन में ही मारा करती हैं. प्रत्यक्ष कभी ना आए पर मन में ही मारा करती हैं. उन चीजों को फिर क्या बोले जो खुशियों में आड़ा करती हैं. मन में कुंठा द्वेष जलन छीना झपटी और गबन. मन में कुंठा द्वेष जलन छीना झपटी और गबन. पीठ में छूरा दोहन शोषण और ऐसे ही कितने पागलपन. ये सब भी गायब है किंतु हर घर में इनका एक घर है. अम्मा को कैसे समझाऊं ये भूत पिशाच सब असली बन है. सब असली बन है. सो बाहर बारिश हो रही है एंड आई वांट टू हैव टी बट द किचन इज क्लोज्ड. हू केयर्स, दैट्स माय किचन. फ्लाई करने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन इसको सीखना होगा तो कितने लेवल के कोर्स होते हैं, क्या चार्ज है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, वो थोड़ा बताएंगे आप? जी जी,